वेव प्रोपेगेशन, जिसे आइनोस्फीयर वेव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। स्काई वेव प्रोपेगेशन जो कि मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी यानी मीडियम वेव और शॉर्ट वेव्स के लिए यूज की जाती है, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस तक रेडियो कम्युनिकेशन की जा सके। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीवर पॉइंट तक पहुंचती है रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि इसमें जब वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसमें रिफ्लेक्शन होती है और फिर वो रिसीवर तक जाती है। जो भी आयनाइज्ड रीजन होता है यानी आयनोस्फीयर लेयर होती है अपर एटमोस्फीयर की, वहां से ये वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और फिर से वापस आयनोस्फीयर लेयर में जाती है। इसे आयनोस्फीयर से जो जैसे जैसे हमारी आयनोस्फीयर लेयर होती है, देखिए जो कि 50 से 400 किलोमीटर तक होती है अर्थ से अबव, क्योंकि 50 से लेके 400 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर लेयर होती है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो ये जो हमारा होगा, जो आयनोस्फीयर होती है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी जो कि 2 से लेके 30 MHz तक के बीच में होगी। जैसे कि अर्थ है, अर्थ से अबव एटमोस्फियर में आयनोस्फियर लेयर में, यानी कि 50 से लेकर 400 किलोमीटर तक, 50 से 400 किलोमीटर के बीच में होगी। उससे नीचे ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर आ जाती हैं, ठीक है। 50 से 400 तक यानी 400 किलोमीटर तक आयनोस्फियर लेयर होती हैं। यहाँ से क्या होती है, जब अर्थ से ट्रांसमिट की जाती है तो जैसे कि यहाँ से वेव गई तो वो रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगी और फिर वापस जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से ये वर्क करती है, ठीक है ना, और फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं। इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 से 30 MHz तक होती है। अगर ये फ्रीक्वेंसी 30 MHz से ज्यादा होती है तो वो आइनोस्फियर से रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो क्या होती है, पिनिट्रेट करती है। तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी अगर फ्रीक्वेंसी 30 MHz से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से लेकर 30 MHz तक के बीच में ही होती है। देखिए जो मोस्टली ज्यादातर जो स्काई वेव प्रोपगेशन होती है उनकी फ्रीक्वेंसी 2 से 30 यानी 2 से 30 MHz के बीच में ही रखी जाती है। ये जो मोड ऑफ प्रोपगेशन है इसे शॉर्ट वेव प्रोपगेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो स्काई वेव प्रोपगेशन होती है, जो भी हमारी रिफ्लेक्शन के बाद आती है आइनोस्फियर से, रिफ्लेक्शन के बाद आती है वेव्स, इसी वजह से इसे आयनोस्फेयर प्रोपोगेशन भी बोला जाता है, क्योंकि आयनोस्फेयर लेयर से आती है। इसी वजह से इसे आयनोस्फेयर प्रोपोगेशन भी बोला जाता है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन किया जा सकता है, ठीक है ना, जो स्काई वेव प्रोपोगेशन के साथ, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोपोगेट करती है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब यहाँ से जाएगी फिर यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट होगी स्काई, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करती हैं। और ये क्या करती हैं कि पूरा राउंड कर लेती हैं ग्लोबल कम्युनिकेशंस का, यानी कि इसमें मल्टी रिफ्लेक्शन होती है स्काई वेव की, जो होते हैं मल्टी रिफ्लेक्शन होती हैं। तो जो स्काई से जाते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन बोलते हैं इसे, तो मल्टी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे पूरा जो सरफेस होता है, पूरा सर्कल होता है अर्थ का, उसे कवर कर लेती हैं। जो जो हमारा सिंगल अगर रिफ्लेक्शन ले आइनोस्फियर की, रेडियो वेव की, तो एक रिफ्लेक्शन 4000 किलोमीटर के स्पेस को कवर कर लेती है। एक बार जब वेव ट्रांसमिट की तो वो 4000 किलोमीटर के सरफेस को अर्थ के कवर कर लेती है। इस तरह से इसमें जो है स्काई वेव प्रोपगेशन की जाती है। जब भी सिग्नल रिसीव होता है स्काई वेव प्रोपगेशन से, तो उसमें अगर हम माने कि अगर हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस नहीं कर रहे हैं और हमने एक ही वेव सेंड कर दी, तो उस टाइम में क्या होता है कि कुछ फेडिंग आ जाती है सिग्नल स्ट्रेंथ में टाइम के साथ, अगर एक बार। इसी वजह से हम रिफ्लेक्शन क्यों करनी पड़ती है बार बार, यानी कि ये इस तरह से रिफ्लेक्शन क्यों करनी पड़ती है, ये इसलिए करनी पड़ती है रिफ्लेक्शन बार बार, इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ताकि वो जो रिसीवर पॉइंट तक जाए तो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स जाए, यानी ये कह सकते हैं कि उसमें फेडिंग ना हो। फेडिंग की जो प्रॉब्लम है उसे ओवरकम करने के लिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इसमें की जाती हैं। और ये जो वेव्स होती हैं डिफरेंट पाथ को भी फॉलो करती हैं, यानी कि रिसीवर तक
पहुंचने के रिसीवर पॉइंट तक लार्ज नंबर ऑफ वेव्स जो होती हैं, यानी वेव जरूरी नहीं है कि वो एक ही पाथ से जाएंगी, अलग अलग पाथ को वो फॉलो करती हैं, और फेडिंग से बचने के लिए इसमें की जाती है हमारी रिफ्लेक्शंस की जाती हैं ताकि फेडिंग को ओवरकम किया जा सके। यही हमारी स्काई वेव प्रोपगेशन होती है, जिसे आइनोस्फियर वेव प्रोपगेशन भी कहा जाता है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।